नमस्कार दोस्तों, जी आर एस टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज दिनांक 14 फरवरी 2019 को हुए एसएससी जीडी एग्जाम का फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर सारा फुल पेपर एनालिसिस लेकर मैं आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें साइंस, जीके और जनरल अवेयरनेस, साथ ही साथ मैथ और अनुच्छेद से संबंधित सारे प्रश्न मैं लिया हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ है। तो चलिए देखा जाए, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा, जो प्लीहा रंग अंग होता है वो प्रभावित होता है। कौन से राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये नागालैंड को दिया गया है। अगला प्रश्न है, बहुत ही इजी मैथ से है कि 550 का 20% कितना होगा? तो 110 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो पम्पास कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों कि समानता का अनुच्छेद किसमें निहित है? तो 15 से 18 अनुच्छेद में निहित है। उसके बाद ये प्रश्न पूछा गया है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1526 ईस्वी में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि तापमान का मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद है 2018 टेनिस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो नोवाक जेकोविच को चुना गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में मुस्लिम आबादी कितनी है? तो 17.22 करोड़ है, मतलब 17.22 करोड़ जो जनसंख्या है वो मुस्लिम आबादी है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग से है कि 9, 10, 18, 45 के बाद अगला अंक कितना होगा? तो 109 हो जाएगा। इसको आप लोग घर में प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये इस तरह का प्रश्न हर एक एग्जाम में आता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। फिर नेक्स्ट है कि वायुमंडल में आर्द्रता मापन यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोमीटर से ये वायु में आर्द्रता नापते हैं, और हाइड्रोमीटर से आप कमेंट करके बताइए कि क्या मापते हैं। कौन सा शासक शीश झुकाकर प्रणाम करके अपने दरबार में प्रवेश कराता था? तो ये बलवन जो था वो अपने सारे नगरवासियों को बोलता था कि मेरे दरबार में जो भी आए वो शीश झुका कर ही अंदर आए, तो वो बलवन था। नेक्स्ट देखा जाए, अगला है गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त। लोहा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से देश में होता है? तो इसका चीन हो जाएगा। राइन नदी कहाँ पर स्थित है? तो जर्मनी में। एड्स किस विषाणु के कारण होता है? तो HIV। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, मैथ से है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 13,000 रुपये की वस्तु कितने रुपए में बेची जाए जिससे 15% का लाभ होगा? तो देख सकते हैं आप, 14950 आंसर होगा। आपका क्या आंसर है ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता निहित है। उसके बाद दोस्तों है कि बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बाली उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि असम में बने पुल का क्या नाम है? तो बोगीबील। आपको बताना है कि असम में अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। जीत सकते हैं आकर्षक उपहार, तो ज़रूर बताएं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। लाइट ईयर किसका मात्रक है? तो दूरी का है। और नेक्स्ट देख, अगला प्रश्न है कि गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो विजय रूपानी। सुंदरी वृक्ष कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पाया जाता है। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत क्या है? यह एक विकासशील राष्ट्र है, क्योंकि दिन प्रतिदिन यहाँ पर विकास होते जा रहा है। मक्खन दूध किताब, मक्खन का दूध है, तो किताब का क्या होगा? पेपर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग से कि 8, 28, 116, 584 का अगला अंक क्या होगा? तो आप देख सकते हैं कि 3508 जो है वह अगला अंक होगा। फिर है
सोलह उनतीस छत्तीस बहत्तर का अगला अंक क्या होगा, तो 136 हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग कुछ पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है जातक कथाएं संबंधित है गौतम बुद्ध से। मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, ये मैथ से है कि 4000 का 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताइए, तो 600 हो जाएगा। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे, तो गोल्ड कोस्ट में हुए थे। अगला है प्रश्न दोस्तों कि नागार्जुन बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। 3 27 4 का अगला अंक क्या होगा, तो 64 हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी और है तो ये प्रश्न रहा, और अभी बाकी है दोस्तों ये वाला कि शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन है, तो स्वामी दयानंद है। लोकसभा के अध्यक्ष सुमित्रा महाजन है। दुग्ध उत्पादन में प्रथम भारत है, ऐसा आपको टिक करना था जो भी आया हुआ। जठर रस का क्या कार्य होता है, भोजन को पचाने का कार्य करता है। फिर है मंदिर निर्माण की कला का प्रारंभ किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में हुआ। 2018 में गेहूं का MSP कितना था, तो 1840 प्रति क्विंटल था। वहाँ 0.00 दिया हुआ है, यहाँ पॉइंट है दोस्तों। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है, तो ये एकल नागरिकता प्रदान करती है। अगला है कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है, बीमा क्षेत्र से है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राज्यपाल। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट अब नहीं है, अब यहीं तक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते रहिएगा, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हंसते मुस्कुराते रहिए और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।